सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है जी आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई एसके जो डीलरशिप है फतेहाबाद के अंदर, आज वहां पहुंचा हूं। तो आज भाई रिव्यू करेंगे 550 का, एसका जो 550 मॉडल है उसकी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना और वीडियो स्किप मत करना भाई। और आप भाई कहते हो कि भाई एड्रेस को बता करो, तो आप मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ भाई। इनका एड्रेस है हार सिरसा रोड फतेहाबाद के अंदर। तो भाई ये 6565 V2 खड़ा है, इनके पास लगभग सभी मॉडल खड़े हैं, 450 550 V2 सभी मॉडल खड़े हैं। तो इन मिलेंगे वो मिस्टर करमजीत सिंह जी मिलेंगे। तो आपको कोई भी डिटेल के अंदर जानकारी लेनी हो या विजिट करना हो तो आप करमजीत सिंह से मिल सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर है जी 70158 57706। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर 70158 57706 है। तो इनके पास भाई सुपर सीडर भी मिलेंगे आपको, भी सुपर सीडर भाई 7 फुट 8 फुटा जो भी चाहिए तो इनके पास सुपर सीडर भी है। और इनके पास भाई रोटावेटर भी है अगर किसी किसान बनाई हुई है। और सब डिटेल के अंदर इस ट्रैक्टर के बारे में बता रखा है। तो आज बात करेंगे भाई 550 है जो DI उसकी बात करेंगे। और वीडियो स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारे संदीप भाई हैं, तो ये आज इस ट्रैक्टर के बारे में डिटेल के अंदर सभी चीजें बताएंगे, क्या क्या फीचर इस ट्रैक्टर में मिलने वाले हैं। 550 DI है और बाकी भी देखने के अंदर ट्रैक्टर की लुक बहुत बढ़िया है, कलर वगैरह हो गए आगे से आप इस ट्रैक्टर की लुक देखो। बाकी इस भाई से करेंगे डिटेल के अंदर बात। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। तो भैया आज आप बात करेंगे DI 550 की, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर कितने HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी? ये 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। ठीक है जी। तो RC के अंदर कितना मिलेगा किसान? RC के अंदर 50 HP है और 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है ये। 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। तो बात करें इसके भाई पंप की, तो कितने सिलेंडर इंजन इसमें आप मिलने वाले हैं? 3 सिलेंडर। ठीक है, इंजन है अपना 3 सिलेंडर। ये बोस का इनलाइन पंप है, 3 सिलेंडर बोस का इनलाइन पंप मिलने वाला है। तो बात करें इसके अब भाई CC कर लेते हैं, तो कितने CC इंजन इस ट्रैक्टर में अपने को मिलने वाला है? 550 में 2 मॉडल है हमारे पास। ठीक है। एक तो ये NG सीरीज का है। ठीक है। इसमें 3065 CC का इंजन आएगा, NG सीरीज में 3065 CC का। और दूसरा ऑप्शन आता है सर किलोस्कर इंजन में, ये किलोस्कर इंजन में, उसमें 3120 CC का, 3120 CC का। ठीक है, इससे थोड़ा ज्यादा CC का उसमें इंजन मिलने वाला है। ठीक है, मतलब किसान भाइयों को दोनों ऑप्शन में मिलेगा, आप कोई भी आप लेना चाहिए, ऑप्शन 2 है उनके पास, लेना चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भैया अब बात कर लेते हैं इसके शो वगैरह की, तो काफी अच्छी डिजाइन की गई है, जैसे मैं देख रहा हूँ सर लोहे की बढ़िया डिजाइन करके ये शो बनाई हुई है, बढ़िया इसके ऊपर पेंट है। ठीक है, सिंगल बोनेट के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा। मैं आपको इसका बोनेट मतलब खोल के दिखाता हूँ। ठीक है भैया, ओपन करके दिखाओ किसान। ठीक है, यहाँ नीचे से इसका भाई लॉक है, ओपन होता है, मतलब ये ऊपर है उठ जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात भाई 55 HP के अंदर डबल आपको जैक मिलने वाला है सर इसमें। हाँ, कई ट्रैक्टरों के अंदर सिंगल मिलते हैं लेकिन कई कंपनी के ट्रैक्टर आपको डबल दे रहे हैं। हाँ, और डबल है और मतलब बढ़िया जैक लगे हुए हैं। हाँ, बढ़िया लोहे की, ये देखो शो लोहे की है, इसके बढ़िया मजबूत जालियां दी हुई है ताकि ट्रैक्टर मतलब कहीं से गर्मी ना उठाए, मतलब हवा मिलती रहे। ठीक है जी, ठीक है भैया। बात कर लेते हैं अब, जैसे ही आप इसका बोनट ओपन कर रखा है, मेरे कलर की बात कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें वो सेंसर लगा हुआ है, सेंसर भी इसके अंदर मिलेगा, सेंसर भी मिलेगा इसका, मतलब ये मतलब इसका बत्ती भी है उस मीटर के अंदर। ठीक है, इसका मतलब जो चौक हो जाता है तो इसका बत्ती वहाँ से ओपन हो जाता है। ठीक है, मतलब बत्ती ब्लिंक करेगी जैसे भी इसको चौक वगैरह कोई शिकायत आती है। सायरन भी लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये बहुत बढ़िया किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे सायरन लगा हुआ है इसका। ठीक है, ये सायरन है जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक। तो बात करें भैया चूल्हे की, तो काफी मजबूत चूल्हा मेरे को दिख रहा है, डिजाइन किया गया इसका, लोहे का चूल्हा है। ठीक है, मतलब कई ट्रैक्टरों में हमने देखा है कि डेक का होता है, डेक का होता है, लेकिन अपने सभी ट्रैक्टरों में लोहे का चूल्हा है, लोहे का चूल्हा है। ठीक है, ठीक है। और कंपनी फिटेड बम्पर और वेट मिलेंगे, और वेट ठीक है, ये काफी बढ़िया कर रखा है, ये फुल हेवी में है ठीक है, कंपनी फिटेड है सर, कंपनी फिटेड है। ठीक है, और आगे इसमें हुक भी दिया हुआ है। ठीक है, कंपनी ने दिया है। ठीक है, आगे ये बम्पर में नहीं है सर, ये मतलब आगे चूल्हे के अंदर ही, चूल्हे के अंदर ये सेफ्टी ज्यादा होगी, मजबूती ज्यादा होगी। बम्पर में क्या करते हैं कि किसान भाई कहीं ट्रॉली वगैरह या कहीं ट्रैक्टर फंस जाए तो टोचन वगैरह में भाई वो बम्पर में आपकी कोई भैया कोई
शिकायत आ जाती है, हल्का बम्पर है वो साथ आ जाता है, टूटने वगैरह शिकायत होती है, इसमें कोई शिकायत नहीं। चूल्हे में दे दिया, ठीक है भैया। अब भैया बात कर लेते हैं पावर स्टेयरिंग के ऑयल वगैरह की। अब पावर स्टेयरिंग का यहाँ ऑयल है सर, ठीक है जी, और पावर स्टेयरिंग का उधर दूसरी साइड के अंदर पंप अलग से लगा हुआ है, अलग से लगा हुआ है, ठीक है। कई ट्रैक्टरों में हम देखते हैं दोनों पंप जुड़वा होते हैं, ठीक है, एक पंप खराब हो गया तो दोनों चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है जी। इसमें पावर स्टेयरिंग का अलग है और हाइड्रोलिक का अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग पंप दिया गया है। पावर स्टेयरिंग में भैया सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग, ठीक है, और डबल ये जो है एडजस्टेबल हिस्सा है, फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल, तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आलू वगैरह की बिजाई में हम मतलब कूल बनाते हैं ना, हाँ तो जरूरत पड़ती है इसमें, तो ये एडजस्ट करने के लिए, ठीक है भैया। चलो बोनट बंद कर देते, फिर आगे के ट्रैक्टर की जो फीचर्स है उस पर नजर डालते हैं, उस बात करते हैं भैया। आगे के टायर कौन से मिलेंगे इसके अंदर? इसमें अमार के 750-16 के टायर मिलेंगे सर, 750-16 के मिलेंगे सर। इसके अंदर कोई 6.5 का या 6 कोई ऑप्शन वगैरह कोई नहीं, फिलहाल नहीं आता, फिलहाल नहीं है, 750 की, 750-16 के एमआरएफ की, हमारे सभी ट्रैक्टरों में एमआरएफ के ही टायर मिलेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 750-16 के भाई आगे के टायर मिलने वाले हैं। भाई टायरों की बात कर रहे हैं तो बात कर रहे थे, पीछे के टायरों की कर लेते हैं हमारी, 14-9 के टायर है सर, 14-9 के, और तो 55 HP कैटेगरी के अंदर 16 के टायरों को ऑप्शन नहीं मिलेगा जी? कंपनी नहीं दे रही है, लेकिन जमींदार कोई मतलब डाल सकता है इसमें, अच्छा 16 के टायर डाल सकता है जमींदार अपने हिसाब से, ठीक है कंपनी देती है 14 के, और जमींदार जो भी किसान भाई है वो 16 के टायर डाल सकता है, दोनों ऑप्शन है इसमें, ठीक है जी। तो भैया अब बात कर लेते हैं इसके डीजल टैंक की, डीजल टैंक तो कितने लीटर का डीजल टैंक इस ट्रैक्टर में मिलने वाला है? 55 लीटर का डीजल टैंक है सर, ठीक है जी, जो काफी बढ़िया है, और वाटर सेपरेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑयल जब जाता है तो मतलब पानी वगैरह को अलग करने, हाँ कचरा वगैरह कोई पानी वगैरह तो इंजन के पंप में कोई शिकायत वगैरह ना आए, वो बढ़िया कर रखा है जी। तो भैया ये एडवांस में ये इसका स्टिकरिंग देख रहा हूँ, एडवांस हाइड्रोलिक का, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एडवांस हाइड्रोलिक मतलब और ट्रैक्टरों से मतलब इसकी लिफ्ट जो है वो हटके है, काफी एडवांस हाइड्रोलिक, काफी एडवांस लिफ्ट है इसकी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है जी, ठीक है, ये बढ़िया कर रखा है इन्होंने, एडवांस अभी इसमें हाइड्रोलिक दे रखी है। तो भाई इस साइड आ जाते हैं थोड़े, ट्रैक्टर के इस साइड में नजर डाल लेते हैं और बाद में आगे के जो फीचर है उसके बारे में बात करते हैं। भाई इसमें बैटरी साइड के अंदर मिलेगी? हाँ, बैटरी का ऑप्शन हमारे यहाँ इन ट्रैक्टरों में साइड में मिलता है, साइड के अंदर आगे भी है 65-65 V2 में चूल्हे के अंदर बैटरी आगे, ठीक है अच्छा, वो मतलब 65 HP कैटेगरी का उसके अंदर आगे होता है, उसके अंदर दी हुई है, और 550, 450, 350, 854 और 65-65 मतलब इन ट्रैक्टरों में हम साइड में बैटरी देते हैं, साइड में बैटरी, एक साइड की बैटरी देते हैं सर, एक साइड की बैटरी देते हैं, ठीक है, साइड कंपनी की बैटरी होगी, ठीक है भैया। जो ये ट्रैक्टर मैं देख रहा हूँ तो इसके अंदर कौन से गियर मतलब आप अपने को मिलने वाले हैं? इसमें दो ऑप्शन है सर, साइड गियर भी है, ठीक है, सेंटर गियर भी है। तो दोनों में कोई रेट का भी मतलब थोड़ा मोटा डिफरेंस होगा क्या? थोड़ा मोटा है, ठीक है, थोड़ा मोटा डिफरेंस होगा, 15,000 जो साइड गियर है वो महंगा है, 15,000 महंगा है। एक चीज और मैं आपको पूछना चाहूंगा, जो आप कह रहे थे भी इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं इंजन के, कैलोस्कर भी आता है और एक आप बता रहे थे भी एनजी का, हाँ जी सर, ठीक है, तो उसके अंदर भी साइड शिफ्ट गियर मिलेंगे, सेंटर मिलेंगे? हाँ जी, दोनों के अंदर साइड और सेंटर दोनों के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज और भैया बताओ मेरे को, भाई इसके अंदर तो आप साइड शिफ्ट गियर बता रहे हो सारा कुछ, इसके दोनों के अंदर दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो उसका भी इंजन 3 सिलेंडर मिलेगा जो आप किलोस्कर का बता रहे हो? 3 सिलेंडर का इसका इंजन है, ठीक है, और 3120 cc का, ठीक है, और इसमें आपको मैं बता रहा था पंप किस टाइप से है, मतलब ये देखो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, बीच में ये इतना गैप है इसमें, ठीक है ये पंप अलग लगा हुआ है और ये अलग लगा हुआ है, ठीक है। तो भैया बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की कुल लंबाई की, तो कितनी लंबाई इस ट्रैक्टर की और ट्रैक्टरों से मतलब है? इस ट्रैक्टर की लंबाई है सर 3860 mm, 3860 mm की लंबाई है। और चौड़ाई कितनी मिलेगी इस ट्रैक्टर की? सर इसमें 1830 mm, ठीक है। तो ऊंचाई मेरे को काफी ज्यादा लग रही है इस ट्रैक्टर की, तो बता देते आप ऊंचाई भी इस ट्रैक्टर की कितनी मिलेगी? सर ऊंचाई 430 mm की ऊंचाई इस ट्रैक्टर की,
ग्राउंड क्लियरेंस भाई इसका 430 mm बता रहे हैं, 430 है जो भाई बढ़िया खेत वगैरह में आपको काम करने में कोई डोली वगैरह के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से खेत के अंदर काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऊंचाई काफी ज्यादा इस ट्रैक्टर की आपको मिलने वाली है। ठीक है भैया, ठीक है। और भैया पीटीओ पावर वगैरह इस ट्रैक्टर की कितनी मिलेगी किसान भाइयों को? पीटीओ पावर है सर इसकी 43 HP पीटीओ पावर है। ठीक है, और कौन कौन सी पीटीओ मिलेगी इसमें? डबल ऑप्शन है सर। डबल ऑप्शन कैसे मिलेगा जी? 6 GB में भी आप ले सकते हैं। अच्छा 6 GB में, ठीक है। और 21 GB में भी ले सकते हैं। 6 GB में ले सकते हैं, 21 GB में 40 चक्कर ले सकते हैं और 1000 चक्कर भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही रिव्यू स्पीडियो मिलेगी। दोनों में? हाँ दोनों में रिव्यू स्पीडियो मिलेगी। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, और दोनों मतलब वो आपको मतलब जो किसान भाई वो लेना चाहे तो उसकी पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी? हाँ, वो मतलब हम कोई किसान की डिमांड पे ही मंगवाते हैं। अच्छा, वैसे नहीं, क्योंकि आजकल एडवांस जमाना है, आप जानते हो कि हर एक चीज, हर एक टेक्नोलॉजी नहीं चाहते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। तो पीटीओ 6 GB में आप ट्रैक्टर हमारे 6 GB चलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका तो ऑप्शन कोई मांगता नहीं है, किसी को 21 में चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो हम मंगवा देते हैं। आप मंगवा देते हो? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया किया आपने बता दिया किसान भाइयों को। भाई वो ऑप्शन के अंदर आप मंगवाना चाहो तो आप मंगवा सकते हो। हाँ जी सर, मंगवा सकते हैं। मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका बोर वगैरह, स्ट्रोक वगैरह आप सभी चीजें आप बता देते जी? इसका बोर है सर 105 का। 105 का, 105 का बोर है। ठीक है, और स्ट्रोक है इसका 118 का। 118 का, ठीक है। और जो आप दूसरा बता रहे थे क्लोस्टर इंजन का, उसके अंदर सेम मिलेगा क्या? थोड़ा या थोड़ा मोटा अंतर होगा? कोई सेम ही मिलेगा। ठीक है भाई, इसके अंदर भी 550 जो है इसके अंदर आपको काफी ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। पीटीओ के अंदर भी ऑप्शन मिल जाते हैं और इंजन के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी कौन सा इंजन आपको चाहिए तो वो भाई ये आपको ऑप्शन दी है 550। 120 mm का क्लोस्टर में 120 mm का होता है और इसमें 118 का होता है। मतलब 2 mm का कोई फर्क है? कोई ज्यादा कोई मामला नहीं है? ज्यादा मतलब सेम ही है? सेम ही फर्क, पावर सेम ही है। पावर सेम ही है, ठीक है। तो एक बात कर लेते हैं इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो कितने के जी लिफ्ट कैपेसिटी 550 DI है जो इसकी जो कंपनी दे रही है? 1800 kg से 2000 kg तक इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। तो दोनों इंजनों में सेम मिलेगी जी? हाँ, दोनों इंजनों में सेम है। दोनों इंजनों में सेम मिलेगी सर। ठीक है, ये बढ़िया कर रखा है इन्होंने भी, दोनों इंजनों के अंदर लिफ्ट कैपेसिटी है वो सेम मिल रही है। और भैया मीटर वगैरह इसके अंदर कौन से मिलेंगे? दोनों में सेम है और डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर मिलेंगे भाई और दोनों के अंदर सेम मिलेंगे। शो वगैरह के अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं है? सेम, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। हमारे सभी ट्रैक्टरों के मीटर एक ही जैसे हैं। मीटर एक जैसे, सभी ट्रैक्टरों की शो जो बनाई है कंपनी ने। हाँ जी, बढ़िया। मतलब ये पेंट है और एक ही डिजाइन किया है। एक डिजाइन है भाई, 450 ले लो या लिखा हुआ होता है अलग अलग, बाकी होती है तो किसी की थोड़ी छोटी, लेकिन डिजाइन एक किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया कर रखे इन्होंने डिजाइन भाई सेम एक। इसके अंदर ब्रेकें कौन सी मिलेंगी अपने को जी? ये ब्रेकें मतलब तेल ब्रेक, ऑयल ब्रेक भी मिलता तेल है, तेल में डूबी ब्रेक, हाँ, और ड्राई भी मिलता है। ठीक है, ठीक है। बात करें भैया आज के पावर स्टेयरिंग, तो इसके अंदर पावर स्टेयरिंग ही मिलेगा या अभी मैनुअल? सर मैनुअल स्टेयरिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, पावर भी मिल जाएगा, मैनुअल और पावर दोनों मिल जाएगा। मतलब उसका थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा मैनुअल का? मैनुअल में कम हो जाएगा, मैनुअल होगा तो प्राइस का कम होगा। हाँ जी, हाँ जी, होगा होगा, वो किसान को फायदा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, ठीक है। इस साइड आज भैया सीट वगैरह की आप दिखा देते हैं किसान भाइयों को, इसके अंदर कौन सी सीट मिलने वाली है और गियर वगैरह भी आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर सीट कौन सी मिलेगी आपको? एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल बड़ी सीट है सर। हाँ जी, सीट बड़ी, हमारे सभी ट्रैक्टरों में एक ही जैसी बड़ी सीटें आती है। कोई छोटे बड़े ट्रैक्टर का ये नहीं है कि ये छोटा ट्रैक्टर है इसमें छोटी सीट दे दी, बड़ा ट्रैक्टर है बड़ी सीट नहीं। मतलब जो ड्राइवर मतलब इसको चला रहा है, ठीक है जी, वो बैठने में कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। और वो मतलब सभी ड्राइवर ऐसी सीट मांगते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और इसके अंदर मोबाइल चार्जर वगैरह मिलेगा जी? सारा ऑप्शन है सर, देखो हमारे सभी ट्रैक्टरों में मोबाइल होल्डर मिलेगा भाई, आप चार्जिंग पॉइंट है, आप अपना मोबाइल चार्ज का खेत के अंदर करना चाहो तो आप कर सकते हो। मीटर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसका ट्रैक्टर का डिजिटल मीटर बता रहे हैं तो भैया देख सकते हो आप, डिजिटल बढ़िया मीटर है और छोटा सा स्टाइलिश इसका स्टेयरिंग दे रखा है। और मगराडो की सेफ्टी के लिए भी पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सपोर्ट भी दी गई है ताकि लाइफ ट्रैक्टर की बनी रहे, ये बढ़िया कर रखा है इस कंपनी ने। और मगराडो की भी पीछे आ जाए, थोड़े नजर डाल लेते हैं एक बार। देखो सर, हाँ जी बताओ सर,
रिवर्स पीटीओ का यहाँ मतलब बैजिंग दी गई है, मतलब रिवर्स पीटीओ यहाँ स्पेशल बैजिंग की गई है भाई। ये बढ़िया कर रखा है कंपनी ने। ये भी जी किसान भाइयों को भाई ना बताने की लोड पड़ती भी, आप वो खुद ही देख सकते हैं अभी। हाँ, रिवर्स पीटीओ इसके अंदर डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल मिलने वाली इसके अंदर ना सर। हाँ जी, डबल डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ डबल वॉल, डबल वॉल। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके के होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं और वो मतलब एक ही साइड काम करते हैं। जैसे हम एमबी प्लाउ वगैरह चलाते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो वो पल्टी नहीं मारता है। ठीक है ठीक है। हाँ, इसमें दोनों ऑप्शन है सर, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। पीछे से भाई हिस्सा वगैरह देश को तो काफी मजबूत हिस्सा इसका डिजाइन किया गया है, ऐसी कोई दिक्कत इस ट्रैक्टर के अंदर आने। भैया एक चीज और, स्पेयर पार्ट वगैरह की कोई दिक्कत वगैरह? स्पेयर पार्ट हमें हमारे यहाँ पे सब कुछ सामान मिलता है, और कहीं से लो, कहीं से, हमारे से नहीं, कहीं से ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो, कहीं से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है भाई। इसका जो पीछे का जो एक्सेल है वो स्ट्रेट एक्सेल दिया गया है, ताकि ट्रैक्टर के भाई पीछे के हिस्से वगैरह के अंदर कोई आवाज वगैरह ना आए। और गियर देखो सर, ये बड़ा दिया गया है इसमें, मतलब जो एक्सेल है वो बहुत बड़ा है, देखो इस तरीके से काफी बड़ा, एकदम छोटा होता है, छोटी होती है। हाँ जी हाँ जी, इसके किसान मतलब ये चीजें देखता नहीं है। हाँ जी, वो देखता है चाल ढाल, लेकिन ये चीज नहीं देखता कोई कि ये इतनी बड़ी कैसे है। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। और भाई मगराड की भैया सेफ्टी वगैरह की आपको जो बात कर रहा था, ये दे सकते हो आप यहाँ मगराड की सेफ्टी के लिए भैया, यहाँ एक डिजाइन किया गया ताकि आपकी मगराड की जो सेफ्टी आपकी लाइफ है वो और ज्यादा आए, और ताकि ट्रैक्टर चले तो वाइब्रेट वगैरह मगराड ना करे, उनकी लाइफ और ज्यादा बनी रहे। वाटर होल्डर इसमें आपको वाटर वगैरह रखने के लिए यहाँ आपको अलग से मिलेगा। और पीछे भैया लाइटिंग वगैरह की आपको कोई कनेक्शन वगैरह करना हो तो स्पेशल ट्रॉली के लिए हमारे यहाँ मतलब दिया हुआ है, ट्रॉली में लाइट वगैरह कनेक्शन करना हो तो। हाँ जी सर, ठीक है ठीक है। भैया बात कर लेते हैं वारंटी वगैरह की ट्रैक्टर की, तो इस साइड आके किसान भाइयों को थोड़ा वारंटी वगैरह के बारे में बता देते हैं, कितने साल की वारंटी वगैरह मिलती है ट्रैक्टर की और कितने घंटे की? सर कंपनी 2000 घंटे और 2 साल की वारंटी देती है। 2000 घंटे और 2 साल की वारंटी देती है भाई, जो पहले होगा उस पर, जैसे 2000 घंटे जो 2 साल से पहले होगा तो आपकी वारंटी बोल। ठीक है, हाँ ये बढ़िया कर रही है। तो भाई प्राइस वगैरह की यहाँ पर विजिट करके आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं, ज्यादा महंगे ट्रैक्टर है नहीं, सभी और कंपनियों के मुकाबले ट्रैक्टर बहुत सस्ते हैं और फीचर्स भी बहुत ज्यादा ट्रैक्टर के अंदर है। और ट्रैक्टर के में भैया आप फील्ड के अंदर चलता देखो ट्रैक्टर, किसान भाई खेत के अंदर जो यूज कर रहे हैं उनके पास एक बार जाकर देखो ट्रैक्टर के अंदर, भाई जोर भी काफी ज्यादा है और ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, तेल का खर्चा भी। सर इसका तेल वगैरह खर्चा कैसा है? सर इसकी माइलेज बहुत बढ़िया माइलेज है, बहुत बढ़िया माइलेज है। ठीक है भाई, किसान भाई कई जो ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर को यूज कर रहे हैं, नहीं काफी किसान भाई हमारे पसंद करते हैं, 550 450 जो ये ट्रैक्टर है हमारे। हाँ जी हाँ जी, हमारा नया ट्रैक्टर आया 65 V2। हाँ जी हाँ जी सर, उसकी भी माइलेज बहुत बढ़िया है, उसकी बहुत बढ़िया बता रहे हो। ठीक है ठीक है, वो करारो ट्रांसमिशन में है, करारो ट्रांसमिशन में। हाँ जी, ठीक है। तो ये भाई सेंटर गियर के अंदर मिले, अभी इनके पास मॉडल है वो सेंटर गियर के अंदर खड़ा है, बाकी साइड शिफ्ट गियर बॉक्स मिल जाएगा इसके अंदर। और जो भी आपको ऑप्शन के अंदर चाहिए भाई, इंजन का भी ऑप्शन है और गियरों का भी ऑप्शन है, साइड शिफ्ट और सेंटर, सभी का मॉडल मिलेंगे सर, और सभी प्रकार के मॉडल मिलेंगे, सभी प्रकार के मॉडल। हाँ जी सर, एक चीज थोड़ा सर और बता दो, आपके DI 550 के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा गियरों का और इंजन का, या भी जो नीचे 350 भी साइड गियर है सर? ठीक है जी, हाँ जी, 350 भी साइड गियर है, ठीक है, और 550 भी साइड गियर है, 65 65 भी साइड गियर है, 65 65 V2 साइड गियर, करारो और सडल गियर, ठीक है, और डबल क्लच और डबल ब्रेक, डबल क्लच और डबल ब्रेक। हाँ 65 65 V2 में हमारे डबल क्लच और डबल ब्रेक है। ठीक है ठीक है, मतलब आपके नहीं इंजन का ऑप्शन जो नीचे के मॉडल जो आपके बता रहे 450 और 350 उसके अंदर मिलेंगे जी? हाँ जी सभी ट्रैक्टरों में मिलेंगे, V2 में नहीं मिलेगा। हाँ V2 और 65 65 में नहीं मिलेगा, उसके अंदर नहीं मिलेगा, बाकी जो नीचे के मॉडल आपके सभी के अंदर इंजन का ऑप्शन है और सभी मिलेंगे जी। हाँ, और हमारे V2 को छोड़ के। हाँ जी हाँ जी, और सभी ट्रैक्टरों में मतलब साइड बैटरी है, साइड बैटरी में, और सभी ट्रैक्टरों में हमारे MRF के टायर है, MRF के टायर मिलेंगे। ठीक है ठीक है, तो भैया एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता देते, अगर किसी किसान भाई कोई भी इंक्वायरी हो तो अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो कर ले। अंकल है करमजीत सिंह जी, मैनेज करते हैं वो। ठीक है जी, उनका नंबर है 70158 57706। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ, 70158 57706। ठीक है जी, और मैं संदीप कुमार, मेरा नंबर है सर 99929 92029।
ठीक है जी। 99929-92029 ये फतेहाबाद में हम शोरूम है। ठीक है ठीक है ठीक है। और इनका एड्रेस वगैरह मैंने पहले वीडियो के अंदर बता ही दिया, बाकी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ जी। इनका एड्रेस ही हरविंदर पेट्रोल पंप और हिसार सिरसा रोड है जो फतेहाबाद, तो वहाँ इनका भाई शोरूम है। तो यहाँ विजिट करके और कोई जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ विजिट करके तो इन भाई से आप ले सकते हो, और यहाँ के जो करमजीत सिंह जी है उनसे भी कोई भी डिटेल के अंदर किसी भी मॉडल की आप जानकारी लेना चाहे तो ले सकते हो। हाँ, कभी भी बात करो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टेक्ट कर लो। हाँ जी सर, कॉन्टेक्ट पे अंकल जी है, उनसे कभी भी बात करो, कोई कभी दिक्कत नहीं, सभी डिटेल के अंदर बताएंगे आपको। ठीक है ठीक है ठीक है। एक चीज और भैया, किसी किसान भाई को डेमो वगैरह ट्रैक्टर का लेना हो, डेमो कभी भी लेके जा सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, मतलब पूरी तरह से किसान को संतुष्ट किया जाएगा। पहले चलाओ, ठीक है, मतलब पूरे संतुष्ट हो जाओ फिर खरीदो, और हमारे ट्रैक्टर महंगे भी नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, और आप ट्रैक्टर मतलब सस्ते हैं, ट्रैक्टर हमारे और बढ़िया है, औरों से सस्ते हैं और बढ़िया है, बढ़िया है, औरों से भी सस्ते और बढ़िया बता रहे हैं। तो एक बार भैया सेवा का मौका इनके यहाँ आकर जरूर दें, ट्रैक्टर की भाई ट्राई करें। 65-65 स्कीम भी चल रही है, डिस्काउंट। ठीक है ठीक है, तो डिस्काउंट आया उसका भी फायदा आप उठा सकते हो, यहाँ विजिट कर सकते हो। एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करें, और यहाँ के जो आसपास के एरिया के भाई यहाँ विजिट जरूर करें, ट्रैक्टर एक बार चला कर देखें, ट्राई लें, और जो किसान भाई पहले यूज कर रहे हैं उनसे फीडबैक लें कि ट्रैक्टर को कैसा बता रहे हैं। बाकी ट्रैक्टर बढ़िया है, देख रहे हैं कि लुक वगैरह।